हे एवरीवन, एक और नए वीडियो में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल रैंक लिस्ट कब आएगी आईसीआर की। आप इससे रिलेटेड मेरे से कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुके हो, जो भी कॉल करता है मेरे को यही लास्ट क्वेश्चन का यही रहता है, भाई फाइनल रैंक लिस्ट कब आएगी। तो सुनो, देखो मैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बताता हूँ, जब आपका स्कोर कार्ड रिलीज हुआ था तो उसके कितने दिन बाद आपका फाइनल रैंक लिस्ट आया, और आपको दूसरा कि आप किस वेबसाइट पर जाके अपना ये स्कोर, आपको जो फाइनल रैंक लिस्ट आएगी थी, और कैसे देख पाओगे। देन उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएगा और क्या काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में देखने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो आपका 13, 14 और 20 सितंबर यूजी पीजी का आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद में आपका जो रिजल्ट था इसका 1 अक्टूबर को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो लास्ट ईयर हुआ क्या है, लास्ट ईयर की अगर आपको मैं बात करूँ तो जब ICR का जो परसेंटेज फॉर्म में जो रिजल्ट डिक्लेयर होता था उसके 21 डेज के बाद में आपका रैंक कार्ड आया था। तो हम अब इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर 1 अक्टूबर को है तो 21 अक्टूबर तक आपका रैंक कार्ड आ जाना चाहिए था। उसके दो दिन बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो अब आप सोच रहे हो, भैया हमको कैसे पता लगेगा कब रिजल्ट आया, कब रैंक लिस्ट आया, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। आप टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लें। और उसको ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का पता भी चले, और जो भी अपडेट्स हो वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो आगे आने वाली वीडियोस के लिए। सो देखो, हाँ, इसका जो आपको ऐसा स्टडी अटैक दिखेगा उसको कर लेना। अब देखिए कौन सा वेबसाइट है उस पर जाके आपको रिजल्ट होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन आया कि भैया हमको ICR की वेबसाइट पर देखना है या NTA की वेबसाइट पर देखना है, क्योंकि ICR का एक वेबसाइट है आपको पता होगा, ICR exam.net। ICR और एग्जाम के बीच में कोई स्पेस नहीं देना, ICR exam.net, और दूसरा है ICR.NT.NIC.in। तो भाई आपका जो फाइनल रैंक लिस्ट है वो ICR.NT.NIC.in पर ही आएगा। सो आराम से आप इसको लॉगिन करते मत रहें, क्योंकि इसको मैं आपको बता दूंगा, आप डेली आप पैनिक होगे तो आप बस मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर लें और टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ। सो जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो आपको कोई भी काउंसलिंग में भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं आपको ऐसा कि नहीं आपका काउंसलिंग, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसके जस्ट बाद ही आपका 1 से 2 दिन बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लास्ट ईयर भी सेम ऐसे ही हुआ था। तो चलो, हाँ, नेक्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस। मैंने सोचा कि मैं आपको जल्दी से इस वीडियो में छोटा सा वीडियो बना के इन सबको बता दूँ काउंसलिंग प्रोसेस। अब देखो, जैसे ही आपका रिजल्ट फाइनल रैंक लिस्ट आएगा, देन उसके बाद में आपको करना क्या है, फाइनल रैंक लिस्ट आएगा तो जस्ट 1 या 2 दिन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ICR की काउंसलिंग का। तो ICR की काउंसलिंग में क्या होने वाला है कि आपको कॉलेजेस को फिल करना है, तो सेकेंड स्टेप आएगा चॉइस फिलिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है भाई काउंसलिंग का, क्योंकि अगर आप अच्छे से अपने प्रेफरेंसेस नहीं फिल करते हो, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कॉलेजेस का, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर है, और क्या क्योंकि हर कोई एक अच्छा फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता है। हम और आप जैसे लाइक मिडिल क्लास फैमिली वाले, हम क्या सोचते हैं कि यार ऐसा हो कि हमको अच्छा कॉलेजेस मिले, उसका फीस स्ट्रक्चर भी कम हो जिससे हम उसको अफोर्ड कर पाएँ। तो आप इस वे में अपना चॉइस फिलिंग करें, और अगर आपका अच्छा रैंक है तो आप सोचें कि नहीं मेरे को अच्छा कॉलेज मिले, वहाँ का प्लेसमेंट अच्छा हो, ये सब चीज़ अच्छा हो, तो इसलिए चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट होता है। देन जैसे आप अपना चॉइस फिलिंग कंप्लीट करते तो उसके बाद में आपका थर्ड स्टेप आता है सीट अलॉटमेंट। तो आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है, सबसे पहले आपने एक बार ही आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है, मैं आपको अगेन बता देता हूँ, बस एक बार ही। जैसे आप एक बार चॉइस फिलिंग कर दोगे तो उसके बाद फर्स्ट राउंड होगा, देन सेकंड राउंड, देन थर्ड राउंड। तो इसमें बस जो आपने चॉइस फिलिंग किया उसी के बेसिस पे आपको सीट अलॉट होगा। देन उसके बाद में इन तीनों राउंड में भी सीट बच जाता है तब आपका जाता है मोपअप राउंड, मोपअप राउंड जिसको ICR का फोर्थ राउंड भी बोलते हैं। देन उसमें डबल आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। अब कौन कौन मोपअप राउंड में एलिजिबल है इसको आगे आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। देन सीट अलॉटमेंट आपको हो जाता है तो उसके बाद में आपको करना होता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अपलोड जो भी आपको, जैसे आपको सीट अलॉट हुआ लाइक कोई भी यूनिवर्सिटी, जैसे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में आपको सीट अलॉट हुआ, तो वहाँ आपको यूनिवर्सिटी एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको सेंड करेगी। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, वो एक टाइम देगी कि आपको इस दिन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो आपको वो अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड वहाँ करना है। अब सोचोगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है भैया, और एक क्वेश्चन कि भैया काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स काम आएगा, अभी काउंसलिंग के टाइम पर कोई डॉक्यूमेंट्स काम नहीं आएगा। जो भी लोग बोलते हैं काउंसलिंग, भाई उसका कहने का मतलब है कि काउंसलिंग के बाद जब सीट अलॉट होगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो रेडी रख ले। तो मैंने अभी इसी वीडियो में आगे एक लिस्ट बनाई है, बस सिंपल सी लिस्ट टाइप करके, तो उनको आप बस
जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आई थिंक 10 to 12 से 13 डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार कर लें। उसके बाद में होता है फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या होता है, आपको कॉलेज जाना होता है, तो जैसे आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर आपको परमानेंट यूनिवर्सिटी जाना होता है। अगर आप कहीं अदर स्टेट में मिलते हैं तो आप उसी दिन आपको जाना है, माई मीन्स कॉलेज के लिए। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरियड करके मतलब लेके जाना है, आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे भी लेके जाना है, और इनको आपके पास नहीं है तो आप इनको अभी भी तैयार करवा लें। पहला होता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। पहला आपको जो दिख रहा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th और 12th का आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, देन उसके बाद में एडमिट कार्ड, फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, फिर कन्फर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आपने ICR का जो भी एग्ज़ाम दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, तब आपको ICR की तरफ से कन्फर्मेशन पेज मिलता है। मे बी आपने वो कन्फर्मेशन पेज रख रखा होगा, फिर भी किसी के पास नहीं है तो उसको घबराने का ज़रूरत नहीं है। मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा कैसे आप उसको दोबारा ले सकते हो। देन काउंसलिंग लेटर जो आपको मिल जाएगा, देन उसके बाद में आता है आपका अलॉटमेंट लेटर, 9th पे आता है आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी भेजती है, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। अब ये वही फोटोग्राफ्स होने चाहिए जो आपको ICR की जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था तो अपना फोटो लगाया था। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट है आपको जिस लास्ट टाइम आप जिस स्कूल से पढ़े हो तो वो स्कूल के द्वारा आपको दिया गया होगा। देन मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ कि जैसे आपने अपना काउंसलिंग करा, आपको जो चॉइस फिलिंग वाला स्टेप था, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, अगर आपको आइडिया है तो आप खुद से अपना काउंसलिंग कर लें, कोई टेंशन का बात नहीं। अगर आपको आइडिया नहीं है, ना फीस स्ट्रक्चर का आइडिया, ना कॉलेजेस का आइडिया, आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भाई आप काउंसलिंग प्रोसेस मेरे द्वारा भी करा सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। सबके लिए मस्त नहीं है, जिसको प्रॉब्लम है वो ज़रूर ज्वाइन करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, और इसमें आपको क्या करना वाला, मैं खुद अपने लैपटॉप से आपका पूरा प्रोसीजर करके दूंगा। आपको कोई ई मित्र के पास जाने का ज़रूरत नहीं, उसका प्राइस है 499 रुपीज़ में। उससे रिलेटेड आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हो, कभी भी आप कॉलेजेस के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हो कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मेरे को कॉलेज में हॉस्टल फी कितना लगेगा, ये सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना अपना, और स्कोर कार्ड सेंड करके आप मेरे से ज्वाइन हो सकते हो। आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिख रहा है, आपका जो भी पेटीएम का जो भी आपको पेमेंट करना है उसका मेथड भी आपको दिया गया है, इसी नंबर पर आप जो भी गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी यूज़ करते हो वो कर सकते हो। सो चलो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो मैंने बताया वो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, और आगे भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे कि कैसे काउंसलिंग करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। मेरे से जितना हेल्प मिलेगा मैं आपका हेल्प करूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटिक।